हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के आगे का पार्ट बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन थीटा की जो वैल्यू है, कल मैंने टेबल में बताई थी, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है। मतलब माइनस वन और वन भी होती, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है। मतलब वन भी रहेगा, माइनस वन रहेगा, और इन दोनों के बीच में साइन की वैल्यू होती है। ठीक है, वही चीज़ कॉस में भी है। ठीक है, माइनस वन और वन भी होगी और इन दोनों के बीच में वैल्यू होगी। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और कॉट थीटा की वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है। ठीक है, सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस वन होती है, और फिर जो है वन से लेके इनफिनाइट तक होती है। ठीक है, मतलब माइनस वन से वन के बीच में कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, माइनस वन से इन्फिनिटी, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन होगा, और फिर उसके बाद वन से लेके इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, वही चीज़ कॉसेक में भी होता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, या कॉस की वैल्यू या कॉसेक की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, यहाँ पे माइनस हो गया। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब के साथ माइनस आ गया है, लेकिन कॉस और सेक के साथ माइनस नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ है? एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा, लेकिन मैं बता दे रही हूँ इसका प्रूफ कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया है। ठीक है, ये बताया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये मैंने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ है अच्छे से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये थीटा है, और थीटा का जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे 180 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन जब हम 0 डिग्री यानी एक्स एक्सिस से जब हम क्लॉक वाइज मूव करते हैं तो थीटा की वैल्यू माइनस होने लगती है। ठीक है, तो इतना आगे समझ में। अब हम क्या देख रहे हैं, अब ये जो वैल्यू है ये हम देख रहे हैं, सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी होती है, आर होती है। ठीक है, यहाँ भी आर होगा। उसके बाद ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे मान लेते हैं ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। ठीक है, तो पी एस की जो वैल्यू है हम मान लेते हैं वाई है। ठीक है, और क्यू एस की वैल्यू क्या मान लेते हैं, एक्स है। ठीक, और ये क्या है, 90 डिग्री है। तो हम देख रहे हैं जो ट्रायंगल पी एस क्यू है वो कॉन्ग्रेंट है किससे, ट्रायंगल के क्यू एस आर के। क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि देख रहे हैं एक साइड कॉमन है, क्यू एस कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और जो थीटा थीटा एंगल है ये भी बराबर है, और 90 इधर भी है, 90 इधर भी है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और जब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं तो जो पी एस की लेंथ होगी वही किसकी लेंथ होगी, एस आर की होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई, लेकिन निगेटिव में, क्योंकि इधर वाला जो वाई डैश एक्सिस है वो निगेटिव में होता है, तो माइनस वाई हो गया। ठीक, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बताया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यानी वाई, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, आर, यानी वाई अपॉन आर। ठीक है, और फिर हम साइन उसी तरह माइनस थीटा को फाइंड आउट करेंगे नीचे वाले से। तो नीचे वाला माइनस थीटा, थीटा के बराबर कौन सा है, ये माइनस वाई वाला है, तो ये परपेंडिकुलर जाएगा और हाइपोटेनस आर। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो साइन माइनस थीटा है वो किसके बराबर है, माइनस माइनस ऑफ साइन थीटा के, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ वाई अपॉन आर है, यहाँ पे माइनस वाई अपॉन आर है, तो साइन माइनस थीटा बराबर होगा किसके, माइनस साइन थीटा के। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम कॉस का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, एक्स है, एक्स अपॉन आर,
और कॉस माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, बेस क्या है, एक्स है और वैल्यू आर, यानी यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर है, कॉस जो माइनस थीटा है वो किसके बराबर है, कॉस थीटा के, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसी तरह हम सारा निकालेंगे तो हमें ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे 0 से 90, 0 से 90 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू पूछेगा तो उसमें सारी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। जैसे कल मैंने करवाया था क्या, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे कराया था। तो वहाँ पे जितनी भी वैल्यू थी वो क्या थी, पॉजिटिव मिल रही थी, ठीक है। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ेंगे, यानी अगर पूछा जाएगा 90+ से sin 90+ थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव होता है और कॉस एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे तो टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे तो कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ मैंने ये एंगल भी लिखा हुआ है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270, फिर 360, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, उसके बाद इसको याद करने का जो तरीका है वो क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर 90 से 180 के बीच में कोई कोई एंगल पूछेगा तो वहाँ पे केवल साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। उसी तरह थर्ड, 180 से 270 के बीच में अगर किसी एंगल की वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे केवल टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। उसके बाद अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू, यानी 270 से 360 के बीच में पूछेगा तो यहाँ पे कॉस और सेक के अलावा सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है। आफ्टर से का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ए से हो गया ऑल, स्कूल एस से हो गया यानी साइन कॉस सेक, टू से टेन कॉट हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट, और सिनेमा का मतलब हो गया कॉस और सेक, ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ sin 90+ थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। मैंने क्या बताया, ये क्या है 0 है, ये क्या है 90 है, और ये क्या है 180 है, ठीक है, 90 90 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो 0 में 90 ऐड करेंगे तो 90 90 में फिर से 90 ऐड करेंगे तो 180, ठीक है। मैंने क्या बताया, sin 90+ थीटा मतलब थीटा क्या है, कहीं यहाँ पे है, ठीक है, 90+ का मतलब 90 से ज़्यादा, थीटा कहीं यहाँ पे है, तो sin 90+ थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो क्या हो गया, sin 90+ थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद cos 90+ थीटा मैंने किया, यानी cos 90+ थीटा मैंने किया, मैंने क्या बताया, साइन और कॉस के अलावा जितनी भी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी, यानी यहाँ पे कॉस क्या रहेगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह tan 90+ थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, cot 90+ थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक का हो जाएगा सेक, और सेक का माइनस कॉसेक, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कॉसेक भी, कॉसेक और साइन के लिए सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे, तो सारे निगेटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि जब 90, यानी जब कोई ऑड टर्म आएगा, यानी जैसे 90 है, 90 नहीं, 90 का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर जो एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू लाई करेगी, जैसे जो एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू लाई करेगी, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ पे 270 है, यहाँ पे क्या है 360 है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें 90 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 90 ऐड करेंगे, यानी 180 का मतलब हो गया 540, यहाँ पे आ गया 540, ठीक है। तो यानी जो एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा हुआ, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री, उसमें ये जो आगे लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साइन लिख दिया जाएगा, यहाँ पे कॉस लिखा है तो कॉस लिख दिया जाएगा, वो मैं अभी आगे बताती हूँ। फिलहाल बस इतना ही समझते हैं कि sin 90+ थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, cos 90+ थीटा माइनस साइन थीटा होता है। माइनस क्यों आया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, 90+ थीटा के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर जो है सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमें साइन 120 फाइंड आउट करना है,
इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 90 + 30 लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया, साइन 90 + थीटा क्या होता है, साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है, क्योंकि साइन 90 + थीटा और सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी प्लस की वैल्यू आ जाएगी और कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। उसके बाद जो है कॉस 150 देखते हैं, कॉस 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, कॉस 90 + थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉस के अलावा कोई सारे सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो कॉस जो है निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, और माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, -√3/2। उसी तरह टेन 180 फाइंड आउट करेंगे, टेन 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 90, और यहाँ भी ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और आ जाएगा कॉट 90, और कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 90 की वैल्यू होती है कितनी, 0, यानी इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है 180 + थीटा, जैसे मैंने अभी कोऑर्डिनेट में बताया, ये 0 है, ये 90 है, ये क्या हो गया 180, तो 180 से प्लस का मतलब क्या हुआ, थीटा अब यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, तो साइन 180 + थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा, कॉस 180 यहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सिर्फ टेन और कॉट है ना, टेन और कॉट केवल पॉजिटिव होती है, तो बाकी सारी वैल्यू क्या आई हैं, नेगेटिव आई हैं, माइनस साइन थीटा है, माइनस कॉस थीटा है, लेकिन टेन वाला टेन, कॉट वाला कॉट, और कॉसेक भी माइनस है और सेक भी माइनस है, ठीक है। उसके बाद इस पर भी क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे, यहाँ पे 225 को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 180 + 45 है ना, 180 + 45 लिखेंगे। मैंने क्या बताया, सेक 180 + थीटा, यहाँ पे सेक आएगा, और सेक 180 + थीटा क्या होता है, सेक क्या होता है, निगेटिव, यानी माइनस क्या हो जाएगा, 45, और ये क्या हो जाएगा, -√2 इसका आंसर है, क्योंकि सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। उसी तरह इसको भी करेंगे, साइन को चेंज करेंगे किसमें, 180 + 45 करेंगे, और साइन साइन ही रहेगा, और उसके बाद 180 + यानी साइन तो निगेटिव में चेंज होगा, यानी माइनस आएगा, यानी क्या आ जाएगा, -1/√2, ठीक है, क्योंकि साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, और यहाँ पे माइनस का साइन, साइन 180 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन 90 + 90 करेंगे, साइन 90 + 90 करेंगे, ये तो पहले वाले की तरह हो गया, तो कर लेते हैं साइन 90 + थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और साइन जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 90 + थीटा, तो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह इसको भी देखते हैं, यहाँ पर मैं फिर से क्वाड्रेंट बना रही हूँ, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, फिर यहाँ पे 270, यानी थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, अब यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, थीटा यहाँ पे आ गया, अब 270 + का एरिया हो गया, और यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के बाकी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है ना। तो इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया कॉट 300, तो कॉट क्या लिखेंगे, 270 + 30, 270 में प्लस 30 करेंगे 300 आएगा, और कॉट 270 + 30 क्या होगा, 10 होगा, और 270 से प्लस का एरिया किसका होता है, यानी माइनस तो होगा ही है ना, 270 से प्लस का एरिया कॉस और सेक का होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 30, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और -1/√3, ठीक है। उसी तरह सेक का भी निकालेंगे, सेक का कैसे निकालेंगे, 270 में क्या ऐड करेंगे हम, 60 ऐड करेंगे, तब 330 आएगा। मैंने क्या बताया, सेक और कॉसेक का पॉजिटिव है, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है, और सेक है, सेक और कॉस क्या होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कॉसेक क्या हो जाएगा, 60, कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, और सेक इसलिए पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जैसे ही फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 360 में आते हैं, अब ये कहाँ पे पहुँच गया, ये था 0, ये था 90, ये था 180, ये था 270, और फिर से यहाँ पे 360, ठीक है। 360 का मतलब यहाँ पे हम फिर से पहुँच गए, फिर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए, तो हम देख रहे हैं सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो 360 + थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस 360 + थीटा की वैल्यू कॉस थीटा,
साइन 420 को हम क्या लिखेंगे, साइन 420 की वैल्यू क्या होगी, साइन हो जाएगा यहाँ पे 360 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 60 करेंगे, फिर उसके बाद जो है साइन साइन 360 प्लस क्या हो जाएगा कॉस, मैंने क्या बताया साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो क्या लिखा हो साइन 360 प्लस क्या होता है साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस नहीं होगा क्या होगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। उसी तरह यहाँ भी होगा कॉस क्या लिखेंगे 360 प्लस 30 लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा कॉस 30 डायरेक्ट आ जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। अब एक चीज़ आपने देखी होगी जो मैं बता रही थी वो मैं बता नहीं पाई थी पहले, वो मैं अभी बताती हूँ। पहले ये फार्मूला तीनों देख लेते हैं, ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, प्रूफ करने को भी आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, कल मैंने इसका एक क्वेश्चन करवाया था, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो पार्ट 1 था। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, मैं जो वहाँ बता रही थी वो मैं ये बता रही थी कि ये कोऑर्डिनेट होता है ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 होता है, ये क्या होता है 360 होता है। ठीक है, ये जो इस लाइन पे जितने भी एंगल आएंगे, मतलब कहने का क्या मतलब है, 360 में 180 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 540। ठीक है, 540 में 180 ऐड करेंगे तो कितना होगा 720। ठीक है, तो यानी इस एंगल इस लाइन पे जितने भी एंगल आएंगे उस पर साइन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है, साइन 0 भी क्या रहेगा 0 रहेगा, साइन 360 भी क्या रहेगा 0 रहेगा, साइन 180 भी क्या रहेगा 0 रहेगा, साइन 540 भी क्या रहेगा 0 रहेगा, और साइन 720 भी क्या रहेगा 0 रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो 18 के मल्टीपल हैं, ठीक है, अगर 18 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू पूछी जाएगी तो वो साइन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है हमेशा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं एक चीज़ बता रही थी कि जैसे साइन 90 प्लस लिखा हुआ है, या साइन नहीं, कोई भी एंगल कॉस भी हो सकता है सेक भी हो सकता है, 90 प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी 270 लिखा हुआ है, 270 प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो 927 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो साइन अगर रहेगा तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, और अगर कॉस रहेगा तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। हम अगर आप ऊपर जाके मिलाएंगे तो ऐसे ही है कि जैसे यहाँ बताती हूँ मैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, या टेन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, या साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, या कुछ भी हो सकता है, सेक हो सकता है, कॉसेक, मतलब मैं साइन ले रही हूँ तो मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जितने भी होते हैं साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे अगर हम 90 देखेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉस लिख देंगे, यहाँ पे हमने 90 देखा यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉट लिख देंगे, यहाँ पे मैंने 90 देखा यहाँ पे डायरेक्ट हम कॉस लिख देंगे। ठीक है, ये 90 का ही नहीं है, 270 का भी होगा, ठीक है, या 90 हो या 270 हो, ठीक है, और जो इसके मल्टीपल होंगे जैसे कि जैसे इस वाले, मतलब इस वाली लाइन पे जितने भी लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे जितने भी लाई करेंगे उसकी मैं बता रही हूँ, और एक्स एक्सिस में कौन लाई करेगा 0 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री अभी मैंने बताया था, तो वही मैं कह रही हूँ साइन अगर 180 प्लस थीटा दिया हुआ है या साइन की जगह कोई भी है तो डायरेक्ट यही यहाँ पे उतार लेते हैं, यानी साइन हो जाएगा, कॉस दिया है तो डायरेक्ट अगर 180 है या 360 है तो डायरेक्ट कॉस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो ये जो मैंने ऊपर लिखा हो उसको आप याद रख सकते हैं, और जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो 90 270 या वाई एक्सिस पे जितने भी एंगल लाई कर रहे हैं उसका जब होता है तो वो जो साइन जो है कॉस में चेंज होता है, कॉस जो है साइन में चेंज होता है, और जब एक्स एक्सिस की मैं बात करूं, एक्स एक्सिस पे जैसे 0 हो गया, 180 हो गया, 360 हो गया, ऐसे नंबर्स जब आते हैं तो जो साइन रहता है वो साइन ही रहता है, जो कॉस रहता है वो कॉस ही रहता है, जो टेन रहता है वो टेन ही रहता है। ठीक है, चेंज कहाँ पे होता है, अगर 90 270 ऐसे आते हैं तो सिर्फ चेंज होता है, बाकी साइन का मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज होते हैं,
तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके आगे का मैं कल बताऊँगी, कल थोड़ा और हार्ड बताऊँगी, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।